दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। हम लोग आज राऊ महू डबलिंग का काम देखने आए हैं दोस्तों, रेलवे अफसरों के साथ में। और मैं आपको ये राऊ से हरनिया खेड़ी के बीच का काम दिखा रहा हूँ। ये राऊ से हरनिया खेड़ी के बीच में जो ये ब्रिज है, इसका फाउंडेशन का काम हो गया है। दोनों तरफ जो है वो अर्थवर्क हो रहा है और टारगेट है कि जनवरी तक इसको पूरा हो जाए। हमारे सांसद शंकर लालवानी जी आए हैं ये पूरा काम देखने। ये मौजूदा सिंगल लाइन सेक्शन है राऊ महू की, तो फिर अब ये डबल लाइन हो जाएगी। यहाँ पे ये फाउंडेशन वर्क हो रहा है, चालू तो नहीं हुआ है, केवल गड्ढा हुआ है अभी। सांसद जी अभी ड्राइंग डिज़ाइन देख रहे हैं प्रोजेक्ट की, वो भी हम देखते हैं। दोस्तों अभी रेल अफसरों से जो बात हुई है तो उनका ये कहना है कि स्लीपर तो जो है वो जो आप देख ही रहे हैं, आपको दूर दूर ही आपको स्लीपर दिखाई दे रहे होंगे। अब बहुत ही जल्दी रेलवे की जो पटरियां हैं, रेल लाइन जो है, वो भी अब यहाँ पर आ जाएंगी मौके पर। ये जो सेक्शन है ये आपको देख पा रहे हो तो इंदौर खलघाट फोर लेन का ये जो ब्रिज है आगे, और यहाँ से हम लोग इधर हरनिया खेड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ भी हम लोग बढ़ने वाले। तो दोस्तों रेल अफसरों का ये कहना है कि जनवरी तक ये जो सेक्शन है ये पूरा हो जाएगा। दो प्लेटफॉर्म दोस्तों हरनिया खेड़ी में बनेंगे, और अभी मौजूदा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रेल लाइन आ जाएगी। ये दोस्तों हम लोग हरनिया खेड़ी रेलवे स्टेशन पे आए हैं, और जैसा कि रेल अधिकारी बता रहे हैं यहाँ पे जो है वो दो प्लेटफॉर्म दोस्तों बनाए जाएंगे। एक तो ये जो नया बन रहा है ये आपको दिख रहा है, ये जेसीबी काम कर रही है, और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे दूसरी लाइन आएगी। दूसरी लाइन आके यहाँ पर जो है वो नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो जो बीच में ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा था कि यहाँ पर दो थ्रू लाइन रहेंगी, दो लूप रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल स्टेशन रहेगा। यहाँ पर स्टेशन मास्टर भी नहीं बैठेगा, बस केवल ये टिकट बेचने वाले जो है वो यहाँ रहेंगे। नई स्टेशन बिल्डिंग जरूर यहाँ पे बनेगी। तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, मैंने रेल अफसरों से मैंने क्लियर कर लिया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है पुराना यहाँ पे नई रेल लाइन आएगी। तो ये नॉर्मल रेलवे स्टेशन रहेगा, और यहाँ पे ये दो केवल थ्रू लाइन रहेगी, यहाँ पे कोई लूप नहीं रहेगा। सिंपल दो लाइन, जैसा अभी स्टेशन है ये सिंगल लाइन का, वैसे ही ये दो लाइन का स्टेशन रहेगा। नई स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, और यहाँ पे एक FOB भी बनेगा जो कि एक और दो नंबर को कनेक्ट कर देगा दोस्तों। और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ये लोग बोल रहे हैं, उनका टारगेट है जनवरी तक पूरा करने का। ये आप देख सकते हैं काम जो है, ये पूरी प्लेटफॉर्म की जो रिटेनिंग वॉल वगैरह जो है वो सब बनाई जा रही है। जो FOB है या जो बिल्डिंग है ये इधर पास में आने वाली है, और यहीं पर इधर आके ही मतलब इंदौर एंड की तरफ यहाँ पर एक FOB आएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, और आगे भी समय समय पे आपको अपडेट देता रहूँगा। ये देखिए हरनिया खेड़ी स्टेशन की बिल्डिंग कैसी हो गई है, झाड़ झंगाड़ उग रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, आगे जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।